हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या है और इसको क्यों लागू किया गया था और कब लागू किया गया था, इसके लागू करने के पीछे क्या वजह थी, आज उसके बारे में पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। ये हमारा करंट अफेयर में रहेगा क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जाम है उनमें इसमें से क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। तो ये जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 7 जनवरी 2023 को इसको प्रारंभ किया गया था। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को 7 जनवरी 2023 को प्रारंभ किया गया था। इसमें 329 जिलों के 500 ब्लॉकों को नामित किया गया है। 329 जिलों के 500 ब्लॉकों को इसमें नामित किया गया है। ये जो 500 ब्लॉक इसमें नामित किए गए हैं उसमें से 160 ब्लॉक 112 आकांक्षी जिलों से लिए गए हैं। जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसमें से जो 112 आकांक्षी जिले थे उनमें से 160 ब्लॉकों को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में लिया गया है, ठीक है। अगला हमारा, ये जो 500 ब्लॉक है ये देश के 7000 ब्लॉकों में सबसे पिछड़े हुए हैं। ये जो 500 ब्लॉक इस आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में लिए गए हैं ये देश के 7000 ब्लॉकों में सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं, ठीक है। प्रत्येक ब्लॉक से, ये जो हमारे आकांक्षी ब्लॉक हमारे जो 500 लिए गए हैं उन 500 ब्लॉकों में से प्रत्येक में से 10-10 लोग प्रशिक्षित किए जाएंगे, 10 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ये 10 लोग उस ब्लॉक में जो भी विकास के कार्य होंगे उसमें मदद करेंगे। 2023-24 के केंद्रीय बजट में इस कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था। 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी इस कार्यक्रम के लिए, भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं 2023-24 के ब्लॉक में। संकल्प सप्ताह 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 सितंबर 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के ब्लॉकों के लिए, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह की घोषणा की थी। और ये जो संकल्प सप्ताह रहेगा ये 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। ये जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए जो हमारा संकल्प सप्ताह रहेगा वो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। ये जो सप्ताह होगा इसमें जो प्रत्येक दिन होगा, इस सप्ताह में जो प्रत्येक दिन होगा वो एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित रहेगा। उसमें विषय कौन से रहेंगे, जैसे कि संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि शामिल है। वो जो सप्ताह होगा प्रत्येक दिन एक अलग विषय पर उसका दिन समर्पित रहेगा। और जो विषय रहेंगे वो क्या रहेंगे, संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि, इस तरीके के विषय उन सप्ताह के प्रत्येक दिन में दिए जाएंगे। अगला पॉइंट हमने लिखा है, अगले एक वर्ष में कम से कम 100 ब्लॉक प्रेरणादायी ब्लॉकों के लिस्ट में आएंगे। अगले एक वर्ष में कम से कम 100 ब्लॉक प्रेरणादायी ब्लॉकों के लिस्ट में शामिल होंगे। उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी थे हमारे, उन्होंने क्या किया कि जब 30 सितंबर 2023 को मीटिंग चल रही थी तो उन्होंने क्या बोला, जो सचिव थे भारत सरकार के, जो प्रत्येक विभाग के सचिव थे, उनसे उन्होंने बोला कि देश में ऐसे 100 ब्लॉकों की पहचान कीजिए जो उनके संबंधित विभाग में पिछड़ रहे हैं।
जो विभाग थे उनके जो सचिव थे उनसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि देश में ऐसे 100 ब्लॉकों की पहचान कीजिए जो उनके विभाग में पिछड़े हुए हों। अगर जैसे कि अगर कोई ब्लॉक स्वास्थ्य मामले में पिछड़ रहा है तो स्वास्थ्य विभाग वहां काम करके उनकी स्थिति बेहतर करेगा। इस प्रकार चिन्हित 100 ब्लॉक देश के औसत स्तर से ऊपर चले जाएंगे और वो एक वर्ष में एक प्रेरणादायी ब्लॉक के रूप में कार्य करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक विभाग के सचिव के लिए मीटिंग में बोला था। ठीक है, उन्होंने एक बात और बोली। उन्होंने क्या बोला, संसाधन वितरण, संसाधनों का वितरण कैसे किया जाए। उन्होंने क्या बोला कि जहां संसाधन मौजूद हैं, जहां पर संसाधनों की कमी नहीं है, अगर आप वहां पर और ज्यादा कुछ संसाधन दोगे, पैसा दोगे या कोई और चीज सुविधा दोगे तो उनका मिसयूज ही होगा। क्यों, जिसके पास पहले से पैसा है लगाने के लिए, अगर वो विकास कार्य में उसी पैसे को लगा दे तो वहां पर विकास कार्य हो जाएगा। आप उसको और पैसे दे रहे हो जबकि उसके पास पहले से पैसा है, जब वो उसको ही नहीं लगा रहा तो वो आपके द्वारा दिए गए पैसे को कैसे लगाएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि जहां पर संसाधन है वहां पर संसाधन देना एक तरीके से संसाधनों को मिसयूज करवाना है, संसाधनों को खराब करना है। हमको संसाधन ऐसी जगह पर ज्यादा उपलब्ध कराओ जहां पर संसाधनों की कमी है, जहां पर संसाधनों की कमी है। लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हमें कुछ संसाधन मिले जिससे कि हम अपने विकास कार्यों को पूरा करें। तो ऐसी जगहों पर आप संसाधन दो जहां पर संसाधनों की जरूरत है, जहां पर संसाधन पहले से है वहां पर संसाधन न दिए जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, संसाधनों का समान वितरण होगा। जहां पर पहले से है वहां पर संसाधन है ही, जहां पर नहीं आप वहां पर दोगे तभी तो उन दोनों के लिए संसाधनों का समान वितरण होगा। उसके बाद ही देश हमारा ज्यादा ज्यादा तरक्की कर पाएगा। उन्होंने राज्यों के लिए भी बोला। उन्होंने राज्यों के लिए क्या बोला, उन्होंने बोला कि अपने अपने राज्य में कम से कम 100 पिछड़े गांवों की पहचान करें और उन्हें सुधारने के लिए एक मॉडल बनाने का काम करें। उन्होंने क्या बोला, प्रत्येक राज्य अपने राज्य में 100 गांवों को चिन्हित करे और उनको किस तरीके से विकसित किया जाए उस पर एक मॉडल बनाने के लिए, एक रूपरेखा, एक प्लान, एक योजना बनाने की तैयारी करें जिससे कि धीरे धीरे आप प्रगति कर पाओ। क्यों, क्या होता है कि आप एक साथ नहीं कर पाओगे। आप छोटा टारगेट लेके चलोगे, कोई भी हो, पढ़ने वाला बच्चा हो या खेलने वाला बच्चा हो या किसी भी काम में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप पहले अपना एक छोटा टारगेट फिक्स करो कि हमको पहले ये करना है। आप छोटे छोटे टारगेट फिक्स करते जाओगे तो आप अपना जो आपका जो उद्देश्य है, जो आपका एम है, उसको आसानी से बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन लिए पार कर पाओ। क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया कि हमको वहां पहुंचना है तो आपको स्ट्रेस बना रहेगा कि हम वहां कैसे पहुंचेंगे। आपको पहुंचना है वहां, लेकिन आप पहले बोलो पहले हम ये करेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, तो आप धीरे धीरे सीढ़ी वाइज वहां पर आसानी से पहुंच पाओगे। ठीक है, ये जो ब्लॉक 500 ब्लॉक जो लिए गए हैं, जो 500 ब्लॉक नामित किए गए हैं, उनमें पूरे देश के राज्य हैं, सारी यूटी हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, हर जगह पर ब्लॉकों को लिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा ब्लॉक कहाँ पर लिए गए हैं, ये मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। देखो, यूपी में सबसे ज्यादा 68 ब्लॉकों को नामित किया गया है। यूपी के सबसे ज्यादा ब्लॉक लिए गए हैं, कितने, 68। दूसरे नंबर पर हमारा बिहार है, बिहार से कितने ब्लॉक लिए गए हैं, 61। झारखंड से 36 ब्लॉक हैं, एमपी से 42 ब्लॉक हैं, वेस्ट बंगाल से 29 ब्लॉक हैं, पंजाब से 10 ब्लॉक हैं, हरियाणा से 7 ब्लॉक हैं, यूके उत्तराखंड से 6 ब्लॉक हैं, एचपी हिमाचल प्रदेश से भी 6 ब्लॉकों को लिया गया। आप ये जो मैंने लिखा है आप इसको भी याद कर सकते हैं, इसमें से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और इसका आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शॉर्ट फॉर्म है एबीपी। एबीपी का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया, आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। 2047 तक विकसित राष्ट्र की हमारे प्रधानमंत्री जी ने कामना की है। वो चाहते हैं कि हमारा देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सके। अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो इसी तरीके से धीरे धीरे हमारे देश को आगे बढ़ना होगा, उसमें हम सबको योगदान देना होगा। वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।